Today we are going to continue our previous video of chapter 2nd, teeth, the grinding machine, subject EVS, class 4. In previous video we have discussed about structure of tooth, ki daant ka diagram, uska structure kya hai, uske parts kya kya hai. Uske baad humne dekha tha facts related to teeth, ki daanton se jude hue kaun kaun se sakya hai, kaun kaun se facts hai, ki animals mein और ह्यूमन बींग्स में जो दांत है वो अलग अलग तरह से होते हैं. हर्बीवोर्स में अलग होते हैं, कार्निवोर्स में अलग होते हैं और ओमनीवोर्स में अलग होते हैं. आज हम देखेंगे कि हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, तो केयर ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे. अब देखो जो परमानेंट टीथ होते हैं, मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टीथ जो है लाइफ में एक ही बार आते हैं. अगर वो गिर जाते हैं तो वो दोबारा उस जगह पर दूसरे दांत नहीं आते. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं उनमें हमारे फूड के कुछ बिट्स रह जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, जो क्या है अगर उनको रिमूव ना किया जाए तो वो हमारे दांतों को डिके कर देते हैं, यानी कि उनको सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़ा भी लग सकता है और दूसरा क्या है हमारे मुंह में स्मेल मतलब की बन सकती है. तो इस वजह से हमें हमारे दांतों की देखभाल करना ज्यादा जरूरी है. जो जर्म्स हमारे दांतों को खराब करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है. और वो हमारे इनेमल को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं. इसके अलावा कुछ हमारे दांतों को खराब करने का कई बार छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, जिनको उन होल्स को क्या कहते हैं, कैविटीज कहते हैं, ठीक है. स्मॉल होल्स जो प्रेजेंट होते हैं दांतों में या फिर वो बन जाते हैं क्योंकि हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करते, इस वजह से जो होल्स होते हैं उनको कैविटीज कहते हैं. पर अगर वो कैविटीज हमारे पल्प तक पहुंच जाए, हमारी दांतों का जो पल्प जो कल मैंने आपको बताया था वहां तक पहुंच जाए, तो क्या होगा कि हमारे दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसलिए हमें अपने दांतों की देखभाल करना ज्यादा जरूरी है. तो आज हम वही देखेंगे कि हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए. टेक केयर ऑफ टीथ. फर्स्ट इज यू शुड ब्रश द टीथ आफ्टर एवरी मील फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स. हमें हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए हर बार भोजन करने के बाद. कम से कम 2 मिनट तक अपने दांतों की को ब्रश करना चाहिए, ठीक है. सेकंड इज ब्रश द फ्रंट टीथ अप एंड डाउन. जो हमारे जो दांत आगे के दांत हैं फ्रंट टीथ है उनको ऊपर नीचे ब्रश को करके उनको क्लीन करना चाहिए. थर्ड इज मूव द ब्रश इन सर्कुलर मोशन व्हाइल ब्रशिंग द टीथ एट द बैक. जब हम अपने दांतों में पीछे की तरफ ब्रश करते हैं तो उस ब्रश को सर्कुलर मोशन में गोल मोशन में क्या करना चाहिए, हमारे दांतों को साफ करना चाहिए. सर्कुलर मोशन में ब्रश को घुमाना चाहिए. अवॉइड ईटिंग स्टिकी कैंडी. स्टिकी कैंडी का मतलब होता है जो टॉफीज आप खाते हो, स्टिकी यानी कि जो दांतों में चिपक जाती है, तो वो स्टिकी कैंडीज हमें नहीं खानी चाहिए. ट्राई टू अवॉइड चॉकलेट्स. मोस्टली बच्चों को आजकल चॉकलेट्स ज्यादा पसंद है, ठीक है ना, तो इसलिए हमें चॉकलेट्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए. कोशिश करो कि बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी चॉकलेट्स ना खाएं. एंड स्वीट्स, और कम से कम मिठाइयां खानी चाहिए. इसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर टीथ. आजकल सभी कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, गर्मी के टाइम में भी कोल्ड ड्रिंक्स का को बहुत ज्यादा पीते हैं लोग, तो कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए. बिकॉज उनमें एसिड होता है और दूसरा क्या है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो हमारे दांतों के लिए भी अच्छी नहीं होती. हैव प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल मिल्क एग्स एक्सेट्रा विच आर रिच इन कैल्शियम. अब जो दांत है दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत है, ठीक है. और अगर हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो उनमें कैविटीज हो जाएगी, स्मॉल होल्स जिनको हम कह रहे हैं, या फिर उनमें स्मेल हो जाएगी, उनमें जर्म्स लग जाएंगे. तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें मिल्क पीना चाहिए क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होना चाहिए होता है. एग खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए. इन सभी चीजों में ज्यादा कैल्शियम होता है एंड कैल्शियम इज गुड फॉर टीथ. और जो कैल्शियम है वो हमारे दांतों के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है. यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद हम देखेंगे चेक योर नॉलेज. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. चेक ऑफ नॉलेज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है. तो फर्स्ट है
देन वी हैव डैश टाइप ऑफ टीथ, हमारे पास